एक अप्रैल से मैंने दोबारा से यूनिट को ज्वाइन कर लिया था, मैं यूनिट पे दोबारा काम करने के लिए चली गई थी। एक अप्रैल से लेके और 16 मई तक मैंने यूनिट पे काम किया। 16 मई को वो जब सैलरी देने के लिए आए यूनिट पे, बाकी जो और 6 लड़कियाँ मेरे साथ काम करती हैं उन्होंने सब बाकी 6 लड़कियों की सैलरी दी, लेकिन मेरी सैलरी नहीं दी उन्होंने। तो मैंने ऑफिस में फ़ोन करके उनसे पूछा कि भाई आपने मेरी सैलरी क्यों नहीं दी है, मैंने काम नहीं किया था क्या? तो उन्होंने बोला कि हमने तो आपको देखा ही नहीं है यूनिट पर कि आपने काम किया है या नहीं किया है, हमने आपको नहीं देखा कि आपने काम किया है नहीं। जबकि मैंने 1 अप्रैल से 16 मई तक यूनिट को ज्वाइन कर लिया था, मैंने काम किया है। जी सर, मेरे पास प्रूफ है। अगर वो ऐसा बोल रहे हैं ना कि मैं 6 महीने से यूनिट पे हूँ ही नहीं, तो मेरे पास प्रूफ है। जो अटेंडेंस रजिस्टर है यूनिट का, उसमें मेरी अटेंडेंस लगी हुई है, आप वो चेक कर सकते हो। तो अब कंपनी ने आपको निकाला है या आपने कंपनी छोड़ी? सर, 16 मई के बाद जब उन्होंने मेरी सैलरी नहीं दी तो मैं यूनिट पे गई नहीं हूँ। 16 मई के बाद जब सैलरी नहीं दी तो मैं जाके क्या करूँ? सुनने में कुछ ऐसा भी आ रहा है जो कुछ आपको अगले सरकार से अगले यादव से कुछ पैसा मिला है? नहीं सर, मुझसे उन लोगों ने 1 लाख रुपए नहीं मांगे थे, सिर्फ सुमन जी से मांगे थे, मुझसे नहीं मांगे थे।